35 को, फिर 19 को और फिर 12 को, फिर यहां से बात करें तो हाउस को जाएगा नंबर टू, हाउस को नंबर टू, इसके बाद आरओ को जाएगा नंबर फोर, फिर सी को जाएगा, आर को जाएगा नंबर सिक्स और इसको जाएगा नंबर एट। बोलिए सर। यस चार के पास पांच खड़ा हो सकता है, पांच के पास सात खड़ा हो सकता है, सात के बाद आठ हो सकता है, आठ के बाद छह हो सकता है, आठ के बाद तीन हो सकता है, आठ के बाद एक हो सकता है, आठ के बाद दो हो सकता है। कितने चरण? चार चरण। और उससे पहला चरण, तीसरा चरण। बात समझ में आएगी नहीं है? आयरन में रैम मैंने क्यों बना किया? अभी तो सीख रहे हैं, एक एक इसमें पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम दो क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि बहुत तुरंत हो सकते हैं। जी परवाई है नंदिनी, कौन सा छे? ये तीन कैसा है? ये वाला तो ये ऊपर वर्णमाला परीक्षण नहीं पढ़ी ना? पढ़ी तो फिर आपको दिक्कत क्यों आ रही है भाई? देखो मेरी बात सुनो, एक तो है आपके पास 19, आप बात समझ रहे सर? प्लीज चुप हो जाइए। हो सकता है जो इसकी प्रॉब्लम है वो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो आप समझिए। कौन बोल रहा है? वहां पे चार के बाद एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बेहतर एक मैं एक चीज सॉल्व कर लू फिर दूसरी चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहां पर देखिए हम लोग, तो अगला है आपके पास आउल, फिर इसके बाद है सिक, सर बात नहीं करेंगे, फिर इसके बाद है रूम और फिर इसके बाद है हाउस। अब इसको समझिए आप लोग, पहली बात तो आप लोग ये देखें कि ये किस ऑर्डर में चल रहा है बच्चा, तो ये चल रहा है अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बोलिए यस। और ये किस ऑर्डर में चल रहा है? ये चल रहा है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ये हम समझे, नंदनी समझ में आ रही? ठीक सब समझ में, भैया इसको समझ में नहीं आ रही। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, नंबर एक। नंबर दो बात करी कि जो संख्या है वो कौन से क्रम पे चल रही है, तो बोलो विषम अंकों पे चल रही है। किस पे चल रही है? और आरोही क्रम वर्ण किस पे चल रहा है? सम अंकों पे, यानी कि एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस को इसमें से देना पड़ेगा। किसमें से? अंकों में से। और दो चार छह आठ दस बारह ये इसमें से देना पड़ेगा। किसमें बोला ये सवाल? आपने हमने नहीं बोला। हो सकता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ये पहले शब्दों का इस्तेमाल करता फिर वर्णों का इस्तेमाल करता, क्या आप समझ पा रहे हैं सर? सर एक बात का ध्यान सुन लिया, पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि बच्चा बीच में से खड़ा होकर के उठ रहा है। ध्यान रखना सर, आज की बार ऐसे मत करना, कोई भी आती है तो रोक के रखो, या तो आने से पहले फ्री होके आओ। तो नहीं क्लास डिस्टर्ब होती सर, बिल्कुल नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा बिना पूछे, कोई बिना पूछे अंदर नहीं आएगा, इमरजेंसी है तो सर पूछो मेरे से, बेवकूफ कंपनी नहीं है, तो ऐसे बिना पूछे कोई खड़ा होकर बात मत करना सर आज के बाद। चलो आगे बेटा, आप देखो अवरोही क्रम में जमाना है और एक तीन पांच सात को इनमें से जाना, तब ये बताओ नंदिनी तुमसे एक किसको दूंगा? बेहतर को दे दूं तो एक नंबर इसको दे दिया, दो नंबर, तीन नंबर किसको दूं? 35 को, तो तीन नंबर इसको दे दिया, चार पांच नंबर किसको दूं? 19 को, तो पांच नंबर इसको दे दिया और सात नंबर इसको दे दिया। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब आगे बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में ओ कौन से नंबर पे आता है? 15 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, एच 8 नंबर। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है? आर। तो दो नंबर इसको जाएगा क्योंकि एक नंबर तो इधर चला गया, इनको तो दो चार से आती जाएंगे, कुछ भी नहीं सकता। अब आठ से बड़ा कौन है?
15, तो 4 नंबर इसको जाएगा, 15 से बड़ा कौन है 18, तो 6 नंबर इसको जाएगा, 18 से बड़ा कौन है 19, तो 8 नंबर इसको जाएगा, ऐसे नंबर नहीं बढ़ाएंगे। अभी सोचें, अच्छा मैं वही आ रहा हूँ, उन्होंने भी ये पूछा और मैं वही आ रहा हूँ। पहली बात ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है तो भी बता दो। हाँ बोलिए सुनील जी, क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ नंबरिंग कैसे कर रहा हूँ यार बेटा, आप तो दो दिन से खा इसको समझ रहे हैं यार। संख्या पर 1, 3, 5, 7, 9 ही देना पड़ेगा, समझ में आ गई विषमांक। और अंकों वर्णों को आपको 2, 4, 6, 8, 2, 10 ऐसे ही देना पड़ेगा, कुछ और नहीं दे सकते। तो यहाँ पर देखो अवरोही क्रम में अंक लगा दें। अब अवरोही का मतलब सबसे बड़े नंबर को आगे आगे बैठाना है आपको, आगे बात समझ। अब अंक के पीछे तो एक वर्ण बैठेगा, वो अंक के पीछे वर्ण, तो दो नंबर तो बैठ जाएगा। अब एक के बाद कौन आएगा? 3। अब 72 से छोटा कौन है? 35, तो 3 नंबर इसको जाएगा। 35 से छोटा कौन है? 19, तो 5 नंबर इसको जाएगा। फिर यहाँ पर से छोटा 7 नंबर इसको जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्योंकि सर वो सवाल लिख कैसे रहा है, वो लिख रहा है यहाँ पर ए ए नहीं, कैसे लिख रहा है? ये लिख रहा है यहाँ पर 11 ए 9 बी 7 सी 5।